शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने का ज़रूर मन करता है, और ऐसे में लगता है कि कुछ हेल्दी सा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं एक हेल्दी सा चटपटा वाला नमकीन बनाऊं। इसके लिए लिया मैंने मखाने, मुरमुरे यानी कि लाई, और पतला वाला पोहा। ये आराम से किसी भी स्टोर पर मिल जाता है। इसके लिए मैंने बादाम, काजू, मसाले, मिर्च, हल्दी, अमचूर, धनिया और चाट मसाला और नमक और मीठी नीम। मेरी मीठी नीम थोड़ी सी ड्राई हो गई, आप फ्रेश लीजिएगा। उसके बाद ली मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई, और सबसे पहले इस कढ़ाई में मैंने डाला पतला पोहा। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम पतला पोहा डाला। मैंने पैकेट वाला पतला पोहा लिया था, इसलिए मैंने इसे छाना नहीं। अगर आप खुला वाला ले रहे हैं और उसमें अगर थोड़ी सी टूटन है तो आप इसे छान लीजिए तो ज़्यादा अच्छा सिकेगा। इसे लो फ्लेम पे सेकना है। 10 मिनट बाद चेक करना है कि ये पका है कि नहीं पका है। अगर ये सॉफ्ट है तो इसे 10 मिनट के लिए और सेक लेंगे। और हाँ, इसे बिना तेल के ही सेकना है। पोहा के अच्छे से सिकने के बाद मैंने एक बड़े कंटेनर में इसे निकाल लिया है। कंटेनर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जिससे आप इसमें आराम से और भी चीज़ें चला सकें। फिर उसी कढ़ाई में लेना है मुरमुरे। मैंने जितना पोहा लिया था उससे करीबन आधे मुरमुरे लिए हैं। मैंने 250 ग्राम पोहा लिया था तो 100-120 ग्राम मुरमुरे लिए। और फिर जब ये बिना तेल के अच्छे से सिक गए तो इन्हें भी पोहे के साथ मिला दिया और हल्के हाथ से दोनों को चला दिया। उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में लिए करीबन 50 ग्राम मखाने। मखाने भी मैंने बिना घी या तेल के ही सेके। और ख़ास बात का ध्यान ये रखना है कि मखाने बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए इन्हें सिम पे ही सेकना है। जब मखाने अच्छे से क्रंची हो गए और मैंने हाथों से इसे चेक कर लिया तो ये भी डाल दिया मैंने अपने पोहा और लाई के मिक्सचर में और अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद लिया मैंने 2 बड़ा चम्मच तेल और उसमें डाले काजू और बादाम एक एक मुट्ठी, और जब वो पक गए तो उसमें डाली मीठी नीम और फ्लेम कर दी बंद। फिर मैंने डाली हल्दी, अमचूर, धनिया, मिर्च, चाट मसाला और सादा नमक और काला नमक, और मिक्सचर को मिक्स करने के बाद जल्दी से डाल दिया अपने पोहे वाले मिक्सचर में, और इसे हल्के हल्के हाथ से जल्दी जल्दी मिक्स कर लेना है जिससे मसाला पूरे नमकीन में अच्छे से मिक्स हो जाए। आपका चटपटा कम तेल वाला नमकीन हो गया है रेडी, जो कि आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं या नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, क्योंकि ये सस्टेन कर सकता है 15-20 दिन आसानी से, और इसमें तेल की स्मेल भी नहीं आएगी। आपको ये कैसा लगा मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा।